खजुराहो के तृतीय अध्याय में आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ मंदिरों के दर्शन करेंगे, जैसे कि ब्रह्मा मंदिर, वामन मंदिर और जैन मंदिर। तो जो सबसे पहला हमारा स्टॉपेज है वो है ब्रह्मा मंदिर का, और ब्रह्मा मंदिर बिल्कुल मेरे सामने है। यहाँ के लोकलाइट इसे भगवान शंकर की मूर्ति भी मानते हैं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आपको इस शिवलिंग की शेप में नजर आएगा। और अभी हम लोग आ गए हैं भगवान विष्णु के एक और अवतार हैं वामन अवतार, जिन्हें बटुक अवतार भी बोला जाता है। उनका भी बहुत भव्य मंदिर का यहाँ निर्माण किया गया है। तो जो हमारा अगला दर्शन स्थान है वो है भगवान विष्णु का बटुक अवतार, यानी कि वामन अवतार। तो चलिए, आप जो मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं ये भगवान विष्णु का वामन अवतार है, इसको बटुक अवतार भी बोला जाता है। जब राजा बलि ने पूरी पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर ली थी तो भगवान विष्णु ने एक बच्चे का रूप, एक साधु का रूप, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा बलि के पास गए और जाके उनसे भिक्षा मांगी। तो राजा बलि अहंकार में थे, उन्होंने बोला मांगो आप क्या मांगते हो। तो भगवान विष्णु ने बोला वामन अवतार में कि मुझे सिर्फ 3 कदम धरती चाहिए। तो राजा बलि ने बोला कि प्रभु नाप लीजिए 3 कदम में, आप जितनी धरती नाप सकते हैं। तो भगवान विष्णु ने अपना विराट रूप धारण किया और 2 पग में पूरी धरती नाप ली। फिर राजा बलि से पूछा कि अब मैं 3रा पग कहाँ रखूं। तो राजा बलि समझ गए कि ये ईश्वर है, उन्होंने हाथ जोड़े, उनके आगे बैठ कर बोले प्रभु 3रा कदम आप मेरे सर पर रख दीजिए। तो भगवान ने 3रा कदम राजा बलि के सर पर रखा तो वो पाताल लोक में चले गए। तभी से राजा बलि पाताल लोक के महाराजा बने और इस प्रकार उन्हें मुक्ति मिली। ऐसा भी बोला जाता है कि भगवान विष्णु का वामन अवतार में सिर्फ एक ही मंदिर है पूरे भारत में, और वो यहीं खजुराहो में स्थित है। तो आइए और भगवान विष्णु के इस वामन अवतार के दर्शन कीजिए। अब हम आगे भगवान परशुराम मंदिर, जो कि विष्णु जी के 6th अवतार है। चंदेल वंश के जितने भी राजा थे वो कंस्ट्रक्शन और मॉन्यूमेंट बनाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे, और उन्होंने पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में बहुत अच्छे अच्छे बहुत सुंदर सुंदर कंस्ट्रक्शन कराए। और जितने भी मंदिर आप यहाँ खजुराहो में देखेंगे स्पेशली, उन सब मंदिरों के बाहर कुछ इरोटिक पोस्चर्स हैं, पोजिशंस हैं, वो सिर्फ इसलिए कि आप मंदिर जाने से पहले अपनी सभी कल्पनाओं को, जो आपकी शारीरिक और बाहरी सुख है, उससे मुक्त होकर जब आप गर्भगृह में प्रवेश करें, जब आप मुक्ति की तरफ जाएं, तो आपके दिमाग से सारी चीज़ें उस समय के लिए ख़त्म हो जाएं। आप अपने जीवन के सारे सुखों को भोगने के बाद, आप सारे आंतरिक, शारीरिक, मानसिक सारे सुखों को भोगने के बाद, जब आपको आत्मा से परमात्मा का मिलन कराना है, तो आपको इन सब चीज़ों को बाहर छोड़ के, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के भगवान के पास जाना होगा। ईस्टर्न ग्रुप ऑफ खजुराहो टेम्पल का जो ग्रुप है उसमें हमारा ये लास्ट मंदिर है, विच इज जैन टेम्पल, और इसको आदिनाथ मंदिर भी कहा जाता है। सो लेट्स चेक इट आउट।
So this brings us to the end of our East group of Khajuraho Mandir. और हमारी कुछ recommendation है. पहली recommendation कि आप कोशिश करें कि पहले आप साउंड एंड लाइट शो देख लें, जो कि वेस्टर्न ग्रुप में होता है. उससे आपको बहुत सारे कंसेप्ट वैसे ही क्लियर हो जाएंगे. दूसरी रिकमेंडेशन, गर्मी में हो सके तो ना आए. नहीं, दूसरी रिकमेंडेशन कि आप वेस्ट ग्रुप पहले घूमें और एक गाइड के साथ घूमें. वो आपको बहुत डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देंगे और आप उसके बाद ईस्टर्न ग्रुप अपने आप भी आके घूम सकते हैं. तो इस तरीके से आप अपनी यात्रा प्लान कर सकते हैं और खजुराहो बहुत सुंदर जगह है. दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ आवर ट्रिप ऑफ एरोटिक टेंपल्स ऑफ खजुराहो. डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल @VeggieWonder. बाय बाय.